हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ व्हाइट मटर के छोले की रेसिपी। तो आप इसे रोटी, राइस, पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे चाट बना के भी खा सकते हैं। पानी पूरी वाले के पास ऐसा ही मटर रहता है, वैसा मटर मैं आपको टिप और ट्रिक्स के साथ बताऊँगी। कुछ लोगों का मटर जो है सो अच्छे से गलता नहीं है, मेरे साथ भी होता था, बट मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं रात को मटर भिंगोने के लिए रख दी थी, तो इसके लिए मैंने लिया है मटर। मैं 250 ग्राम मटर ली हूँ, उसमें मैंने पानी ऐड किया है। उसमें ऐड करेंगे एक चम्मच नमक और एक चम्मच एक छोटा सा स्पून बेकिंग सोडा का ऐड कर देंगे पानी में और मिक्स करके इसको रात भर फूलने के लिए रख देंगे। रात भर फूलने के बाद आप देख सकते हैं मटर कैसा दिख रहा है। उसके बाद हम इसे उसको करेंगे बॉयल। बॉयल करने के लिए हम डालेंगे पानी। पानी आप अपने मटर के क्वांटिटी के अनुसार ऐड कीजिए। एक चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। उसके बाद एक चम्मच नमक मैं ऐड कर रही हूँ, बेकिंग सोडा मैंने ऐड किया है, और सबको मिक्स करके हम मीडियम फ्लेम पे 8 से 9 सीटी लगाएंगे। आराम से इसे 8 से 9 सीटी लगने दीजिए। जब 9वा सीटी लग जाए उसके बाद गैस को ऑफ करके कूल डाउन होने दीजिए कुकर को। उसके बाद हम उसका ढक्कन खोलेंगे। उसके बाद हम इस तरफ लगाते हैं तड़का। तड़के के लिए पैन को कर लिए हैं गर्म, उसमें डाली हूँ 2 चम्मच ऑयल। उसके बाद खड़े मसाले, उसमें तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, इलायची, जीरा, मैं क्यूमिन सीड्स ऐड की हूँ, लाल सूखी लाल मिर्च ऐड की हूँ, 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, उसे भूनूंगी। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज, उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट और टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। उसके बाद हम इसको भूनेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे हम इसे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट को हम 2-3 मिनट भूनने के बाद हम स्पाइसेस को ऐड करेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा, नहीं तो रॉ फ्लेवर उसका आ जाएगा। 2-3 मिनट हम इसे ढक के पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। जब ये अच्छे से पक जाए उसके बाद हम ऐड करेंगे छोले मसाले। अगर आपके पास बाई चांस छोले मसाले नहीं हैं तो आप इसमें चिकन मसाला ऐड कर सकते हैं या गर्म मसाला ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा मटर कितना गला हुआ है। जब हमारा मसाले में से तेल छोड़ने लगे तब हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर। मैंने 1 मीडियम साइज के टमाटर इसमें ऐड किए हैं, उसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 स्पून चीनी। मैंने चीनी ऐड किया है, अगर आपको नहीं ऐड करना है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम गला हुआ मटर ऐड कर देंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मींस 1 ग्लास के करीब मैंने पानी ऐड किया है। आप अपने क्वांटिटी के अनुसार, आप अपने थिकनेस के अनुसार ऐड कीजिएगा पानी। आप देख सकते हैं मैं 1 ग्लास और ऐड की हूँ पानी, और उसको अच्छे से चला के हम ढक के इसे पकाएंगे। नमक इसी समय आप ऐड कर दीजिए, और उसके बाद पहले टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम बॉयल करते वक्त भी इसमें नमक ऐड किए हैं। अगर आपको ज़रूरत लगे तो डालिए, नहीं तो इट्स ओके। उसके बाद हम ढक के पकाएंगे 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, और जब ये अच्छे से पक जाए उसके बाद हम डालेंगे कसूरी मेथी और धनिया पत्ता से आप इसको गार्निश कीजिए, और आपका मटर का छोला रेडी है। इसको सर्व कीजिए, राइस, रोटी, पराठा, नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चटपटा खाना है तो इसके ऊपर प्याज, दही, हरी चटनी, लाल चटनी ये सब डाल के, भुजिया वजिया डाल के, आप अच्छे से धनिया पत्ता डाल के इसको चाट बना के आप खा सकते हैं, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।